नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं पंकज जायसवाल FRMS हूँ। हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 की जो एग्ज़ाम हुई थी ऑफलाइन और मिड सेम जो एग्ज़ाम उनकी ऑनलाइन हुई थी, तो उसका जो एक्सटर्नल का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था फाइनल रिजल्ट, वो अभी आने में कुछ डिले होगा बिकॉज कल से ही यूनिवर्सिटी में जो है दिवाली का वैकेशन वो हो गया है और 31 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में वैकेशन रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम सेक्शन हो या कि फैकल्टी का जो स्टाफ हो वहाँ पर वैकेशन रहेगा 31 अक्टूबर तक। तो उसके कारण से जो भी रिजल्ट का जो टैबुलेशन था और जो भी डिक्लेरेशन की जो भी प्रोसेस थी वो रोक दी गई है। आफ्टर ये वैकेशन फिनिश होने के बाद जो रिजल्ट है फर्स्ट ईयर बीकॉम का, वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी एग्जाम सेक्शन के द्वारा कहा गया। तो जो भी स्टूडेंट्स हाल में सेकेंड ईयर बीकॉम में है और उनको एक जैसे कि एक उनका एक प्रॉब्लम है और एक चिंता भी उनको हो रही है कि उनका जो सेकेंड ईयर बीकॉम का एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो उनका रिजल्ट है, जब नवंबर फर्स्ट वीक में उनका रिजल्ट आएगा तो उसके तुरंत एक या दो दिन बाद उनकी सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 और 4 के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो वेबसाइट है वो ओपन की जाएगी और उसी के साथ में उनके लिए फीस पेमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा और जिसके लिए विद्यार्थी मित्रों को समय भी दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इस बार सेकेंड ईयर बीकॉम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की तरह जो फीस है पूरे साल की एक साथ पेमेंट करनी होगी, उनको भी इंस्टॉलमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इस बात का ख्याल उनको रखना होगा। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो रिजल्ट है सेमेस्टर 2 का, जो गए साल फर्स्ट ईयर बीकॉम में स्टूडेंट्स है, वो रिजल्ट उनका नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। नमस्कार।